वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने YouTube चैनल को किस तरह से परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। और अगर चैनल डिलीट करने के बाद आपको अपने Gmail अकाउंट को भी परमानेंटली डिलीट करना हो तो उस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने Gmail अकाउंट में लॉगिन हो जाइए और जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपको राइट साइड पे 9 डॉट्स शो होने लग जाएंगे, यानी ये गूगल ऐप्स हैं। इस पर क्लिक करके YouTube में एंटर हो जाइए या डायरेक्टली youtube.com लिख के YouTube में लॉगिन हो जाइए। तो यहाँ से मैं YouTube ओपन कर लेती हूँ। राइट साइड पे मुझे चैनल का लोगो शो हो रहा है, इसे मैं क्लिक करके ओपन कर लेती हूँ और उसके बाद YouTube स्टूडियो में एंटर होना है। जैसे आपका YouTube चैनल ओपन होता है तो आपको लेफ़्ट साइड पे सेटिंग की ऑप्शन शो हो जाएगी, इसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है चैनल, इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे 3 टैब्स शो हो रही हैं, पहली है बेसिक इन्फो, दूसरी है एडवांस सेटिंग्स और थर्ड है फीचर एलिजिबिलिटी। तो सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, ड्रैग करते हुए थोड़ा सा नीचे जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है अदर सेटिंग्स में मैनेज यूट्यूब अकाउंट, इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए। और अब यहाँ पे योर यूट्यूब चैनल में 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो लास्ट ऑप्शन है व्यू एडवांस सेटिंग, इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए और ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है डिलीट चैनल की। तो डिलीट चैनल के ऊपर मैं क्लिक कर रही हूँ। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। अगर फ़ोन नंबर आपने नहीं डाला था इस यूट्यूब चैनल के साथ तो आपको मोर वेज टू वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको इसकी जो रिकवरी ईमेल है वो शो होगी, तो उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन जाएगा उसका आपने रिस्पांस देना होगा, तो आप इस स्टेप से आगे जा पाएंगे। तो यहाँ पे वो फ़ोन नंबर जो कि मैंने इस चैनल से लिंक कर रखा था वो मैं एंटर करूँगी। उसके लिए पहले मैं कंट्री चेंज कर लेती हूँ यहाँ से। एंड गेट कोड पे क्लिक कर दूँगी। कोड मुझे रिसीव हो चुका है जो कि मैं यहाँ पर एंटर करने लगी हूँ। एंड नेक्स्ट। और अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, आई वॉन्ट टू हाइड माई कॉन्टेंट या आई वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट माई कॉन्टेंट। तो मैं सेकेंड ऑप्शन को चूज़ कर रही हूँ और इसलिए इस ड्रॉप डाउन एरो पे मैं क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी की सारी वीडियोज़ डिलीट हो जाएंगी और अगर आपने कोई पेड मेम्बरशिप ली हुई है तो वो भी अनसब्सक्राइब हो जाएगी। तो मैं दोनों बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करके चेक मार्क लगा देती हूँ और डिलीट माई कंटेंट पे क्लिक कर रही हूँ। और यहाँ पे आप मुझे अपने चैनल का नेम एंटर करना है और चैनल का नेम ऑलरेडी इन्होंने बिल्कुल इस बॉक्स से ऊपर वाली लाइन में दिया होता है, उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और इस बार में कर दिया पेस्ट, ठीक है। और डिलीट माई कंटेंट पे मैं क्लिक कर रही हूँ। योर कॉन्टेंट इज़ बीइंग डिलीटेड। कुछ मिनट में भी आपका चैनल यहाँ पे डिलीट हो सकता है या कुछ डेज में भी, यानी 1 से 2 दिन में भी डिलीट हो सकता है। बस आपने करना ये है कि नेक्स्ट 1 मंथ तक आपने इस अकाउंट में लॉगिन होने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अकाउंट को रिकवर करने का ड्यूरेशन 1 मंथ होता है। अगर आप इसमें दोबारा लॉगिन हुए तो समझ लें आपने अपने अकाउंट को रिकवर कर लिया है। तो आपने अगर रिकवर नहीं करना है तो आपने इसमें लॉगिन नहीं होना है। तो बस चैनल आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है और अगर आप जाके इसकी वीडियोस को भी वॉच करेंगे तो वहाँ आपको शो नहीं होंगी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।